अगर ये लोग छोटे छोटे काले काले और गांव देहाती लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। कहा हमारे बच्चों ने, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, इससे क्या साबित होता है कि हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे विजिटर को सही दिशा में सोचने और चलने के लिए बाध्य होना पड़ा है। सही दिशा में चलने और सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। लोग ये कहने के लिए विवश हैं कि बाधा में अमेरिका जैसे जश्न कैसे हो गया। बहुत लोगों ने कहा, मुझे कई पत्रकार बंधुओं ने बात बताई कि बहुत लोग जब इंटरव्यू लिए उन्होंने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि बाधा में भी ये हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिव माहौल बना उसने सही दिशा में सोचने और चलने के लिए बाध दिया। ये तीसरा टेक में है। यहाँ जब आदमी खुश होता तो क्या करता है? आज ये चौथा टेक अवे है, सभी को खुशहाली, नई ऊर्जा, नई सोच और नई दिशा मिली इस तीन दिन से। अगर उनके मन में अच्छी चीज ना होती, ऊर्जावान ना होते तो सेल्फी न लेते। अरे वो मेरे साथ नहीं, और वो साथ भी ले रहे थे, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अरे बात और बताई दूं, अगर आप लोग बुरा ना माने, क्योंकि मैं डीएम हूं, मुझे थोड़ा सा संभाल के बात करना पड़ता है। ये लोग गवाह हैं, कुछ लोग बाहर के साथ, एक मैडम थी, उन्होंने कहा साहब हम सेल्फी लेना चाहते हैं, हम आपके साथ लेना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। अब मुझे देर लगा, हमने कहा आपने अपने पति देवता से अनुमति ली है कि नहीं ली है? मैं क्या करता, मेरी मजबूरी है। मैंने पब्लिकली कहा, गवाह है आप। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी थे, वो भी हंसने लगे कि डीएम साहब मतलब अब मैं करता तो क्या करता। चार टेक अवे तो मैं बता चुका, पांचवा टेक अवे क्या है? हृदय परिवर्तन हुआ है लोगों का, लोगों के हृदय बदले हैं, लोगों के मन बदले हैं। मैंने इसका असेसमेंट अपने अधिकारियों पे देखा। ये मेरे अधिकारी, जब हम 3 महीने से तैयारी कर रहे थे तो हम लोग अंधेरे में तीर चला रहे थे। इवन आई वॉज नॉट क्लियर कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी, व्हाई आई एम किलिंग माई ईजनेस। मैं बहुत परेशान था, मैं क्योंकि मेरे लिए एक प्रतिष्ठा का दाम लग चुका था मेरा। लेकिन जब पहले दिन सफलता के आयाम देखने को मिले तो मेरे सारे अधिकारियों के दिमाग की बत्ती जल गई और ये लोग बिल्कुल इतना प्रफुल्लित होकर काम किए कि जो भी लोग आ रहा है वो ये आश्चर्यचकित है कि यूपी में और यूपी का अधिकारी इतना अच्छा काम करता है। अभी मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया, ये मत बदला इनका। जब इन्होंने देखा कि मेरे डीएम को नींद नहीं आ रही है तो मुझे भी नहीं आना चाहिए, ये बात। और जब 28 तारीख को देखा ये रेला सबके चेहरे पे ऊर्जा, खुशहाली और सेल्फी, तो इनका भी बत्ती जल गया। तो ये क्यों नहीं खुशहाल होंगे, इनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। और मैं दो बात और बताना चाहता हूँ। हर आदमी के दोस्त होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, मेरे भी यहाँ दुश्मन है, मुझे अभी तक दो पता लगे हैं पूरे बाधा में। तो एक महोदय जो जिनका ये वर्जन था कि जब तक ये डीएम यहाँ रहेंगे तब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं उनके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वो भी इस कार्यक्रम में आए। उनका मन बदला, ये छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरे एक महोदय ने मेरी एक लिखित शिकायत की, उन्हें नहीं पता, मुझे पता, वो भी आए और कल मेरी तारीफ की फूल यही बांट के गए। पब्लिक भी बांधा उन्होंने मेरे को भी, ये हृदय परिवर्तन नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे लिए तो जो मुझे निंदक मेरे राखी है आगन को दिखा, मेरे शहर पे क्या फर्क पड़ता। लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, मैंने दो उदाहरण से अपनी बात को साबित किया। ऐसे कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है
कितनी खुशहालियां आई हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। सारे लोग हैं नेतागिरी करते हैं, हम सब रोज लड़ते रहते हैं। मैं इनके आदमी को बंद कर देता हूं, या कहते साहब हमारा आदमी ठीक है, आपने बंद क्यों कर दिया। हमारे किसान हैं वो आज मुझे रोज घेरते हैं, उन्हें यूरिया नहीं मिला, मुझे डाया नहीं मिला। हमारा अधिकारी है, जब उसकी छुट्टी कैंसिल कर देता हूं, कहता हूं काम करो, तो मुझे रोज घेरता है, कहते हैं कैसे डीएम साहब। हर आदमी कहीं ना कहीं हमारे उसके एक दूरी होती है, लेकिन इस समिट ने जनपद के विभिन्न वर्गों को, स्टूडेंट को, किसान को, व्यवसायी को, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया और हमारी बाधा की ताकत को बढ़ा दिया, आपस की दूरी को घटा दिया। ये इसका टेक अवे है। हम लोग आज मजबूत बन के निकले हैं। आज ये हम कह सकते हैं कि बाधा में कुछ भी संभव हो सकता है, ये साबित कर दिया इस 3 दिवस के कार्यक्रम ने। जो बात प्रगति मैदान में हुआ करती थी, जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ करती थी, जो बंगलौर में हुआ करता था, आज वो कहां हो रहा है? बांदा में। हमारी एकता बढ़ी है। जब हमारे सरकारी विभाग से लोग बहुत दुखी रहते हैं, ये कड़वा सच है, मैं जानता हूं, तो मैं सोचता हूं इस दुख को कैसे दूर करूं, लोग कैसे सरकार को पसंद करें, कैसे सरकार के नजदीक आए। तो जब हम कहीं स्टॉल लगाते हैं तो ये सब खाना पूरी करते हैं। क्या करते हैं? खाना पूरी। आप लोगों की भाषा बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग कहते हो सरकार के लोग अच्छे नहीं होते हैं, खाना पूरी करते हैं, अच्छा काम नहीं करते, आपकी भाषा, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। आपके सामने हमने जितने स्टॉल लगवाए सब एक कलर में लगवाए, सब खूबसूरत लगवाए, सबके सूचना पत्रक विशेष रूप से खूबसूरत छपवाया और हमने सबसे कहा कि जो स्टॉल पे बैठेगा सबकी साज सज्जा भी ठीक होगी, सब कोट पैंट पहन के आएंगे टाई में। हमने इसको प्राइवेट मार्केटिंग के रूप में इस तरह से करने की कोशिश की कि जो लोगों के मन में एक भाव है कि ये खाना पूरी करते हैं, ये दिल से बताते नहीं है, छिपाते हैं, और जनता और गवर्नमेंट के बीच की जो एक दूरी थी, इसी स्टॉल के माध्यम से हमने कार्यक्रमों की सही जानकारी देने की कोशिश करी और उस खाई को पाटने की प्रयास किया। ये लगे हैं, सब देखे हैं आप लोग, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। अठवां, आपके जनपद में हुनर की कमी नहीं है। मैं इसके पूर्व डायरेक्टर कल्चर, स्पेशल सेक्रेटरी कल्चर रह चुका हूं, तो मैं पूरे इतना बेहतरीन लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने उनको मंच दिया, उनको प्रशंसा पत्र देंगे अभी और उनको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनको कोई नहीं पूछता था, वो इसी में गदगद है कि डीएम साहब ने बुलाया, क्या छोटी मोटी बात है? एक बहुत अच्छी चीज और आप लोगों को मिली, ये मेडिकल कॉलेज, जो इस मेडिकल कॉलेज में आ जाता है मुझसे यही कहता था, ये तो लगता ही नहीं कि ये बाधा में बना है, ये ऐसा लगता है कोई बंगलौर की बिल्डिंग है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई दिल्ली की बिल्डिंग है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप लोग हंस रहे हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? इसको लोग जानते नहीं थे, इस समिट से इस मेडिकल कॉलेज की पहचान बन गई। आप आइए, दवाई कराइए, इंतजार कर रहा है मेडिकल कॉलेज, अब ये आपको बीमार नहीं होने देगा। ये आपका एक टेक अवे है, आप सबको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया। जब नहीं जानते थे तो नहीं मिला था, अब जान गए तो एक मेडिकल कॉलेज मिल गया। आइए, 3-1 मिल पाता, ये 3-in-1 है, गोलगप्पा, इनोवेशन और सरकार। दिया कि नहीं दिया बच्चों को? दिया। आप लोग कुछ ही लोग यहां होंगे जो कि जो एकेडमिक बिल्डिंग है उसके फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे गए होंगे।
लोगों ने 7 लेक्चर हॉल में 28 सेशन प्लान किए थे। आप जान के हैरत होंगे कि कल यहां 4 IAS अफसर, 3 IPS अफसर, आज 2 कलेक्टर आए हुए थे और आपको पूरे देश के कोने कोने से लोग आए। कैसे आए? कोई तो फिट कर ही आया, दिल्ली से चला आया, और कोई अपना ज्ञान दिमाग भेज दिया तो वो भी आया ना भाई। क्या आने का क्या मतलब? आजकल व्हाट्सएप नहीं करते हैं आप? आज तो सब व्हाट्सएप है तो होता है। तो अगर उसने अपना दिमाग व्हाट्सएप पे, अपना लेख व्हाट्सएप पे भेज दिया तो आया कि नहीं आया? आया ना? आप तो मेरे जान में फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ देश विदेश कई जगहों के लोग आए और उन्होंने अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। बहुत सारे विषयों पे चर्चाएं हुई कि पानी की समस्या का समाधान कैसे हो, अर्बन डेवलपमेंट में ट्रैफिक की समस्या है उसका समाधान कैसे हो, अन्ना प्रथा से निजात कैसे मिले, कुपोषण से कैसे लड़ा जाए, अनेकों मेडिकल में क्या इनोवेशन हुए हैं। इतना बढ़िया माहौल, हमारा ख्याल है 150 से 200 के बीच विद्वान यहाँ आए। इस धरती पे इतना विद्वान आए तो वो अब अपना बुद्धि यहाँ बिखेर के चले गए बाड़ा में। वो तैर रहा है, क्या रहा है? और धीरे धीरे हम लोगों के दिमाग में घुसे, हम उसका पालन करेंगे और फायदा उठाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सभी के लिए। एक चीज और मुझे देखने को मिला कि सभी लोग ये कहते रहे, सबके मुंह से एक ही बात निकली, एक चीज में बहुत सतर्क रहता हूं मैं, आपको बता दूं, मैं अपने जासूस छोड़े रहता हूं कि कौन किसी काम के बारे में क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे काम के बारे में, एक्टिविटी के बारे में क्या सोच रहा है। सबके मुंह से एक ही बात निकली, शायद इससे आप सहमत होंगे, कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अब आप लोग ये बताइए, ये ऐसा प्रोग्राम आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए हर साल। एक तो बहुत पिछड़े पिछड़े टाइप के आदमी है, अरे हम अगले महीने कराने प्लान में हैं। लेकिन वो किस रूप में आएगा आपके लिए कचंभा होगा। हम कोई भी काम करेंगे वो एक अपने आप में इनोवेशन होगा। हम प्लानिंग करेंगे, फिर कुछ ना कुछ फरवरी के लास्ट में प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया चीज और दे। ये तो सब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे हमारा आपका डिस्कशन चलता रहेगा। मैं अभी तो मुझे लगता है मैं रहूंगा आपके बीच, और जब हमें जाना होगा तो मैं चला नहीं जाऊंगा, मुझे रोक नहीं पाएगा। तो जब तक मैं रहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं ना मैं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा, और जो सोया, जब सो जाता आदमी कहां चला जाता है, तो मैं सोने नहीं दूंगा अपने किसी आदमी को, सबको जगा के रखूंगा। मैं अगर किसी का नाम लेके दूं कि इन्होंने ज्यादा काम किया, इन्होंने बेकार काम किया, तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने किसी की एक मंच पे तारीफ कर दी तो सबने कहा देखो डीएम साहब ने उसकी तारीफ कभी मेरी नहीं करी। मेरे नजर में एक एक आदमी है, आई डू नॉट लाइक चर्चा मेरी, आई लाइक मेरी। किसी को इस गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूं या ना बोलूं, कौन मेरिटोरियस है, कौन गच्चा देता है, कौन झूठ बोलता है, कौन काम करता है, मेरी सबकी सबकी डायरी है। और मैं कंटिन्यूअस केवल यही चीज पर रखता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग ये कह रहे हैं और आप लोग झूठ बोल रहे हैं सबके साथ कि ये प्रोग्राम डीएम साहब लेकर आया, ये आप लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, और जिसने काम किया उसका आप लोग अपमान कर रहे हैं। ये प्रोग्राम डीएम साहब ने नहीं किया, ये प्रोग्राम आप सभी लोगों ने किया, जनता ने किया, मेरे अधिकारियों ने किया, मेरे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के लोगों ने किया,
सारे लोगों ने मिलकर किया। मैं अपनी दुकान सजा के बैठा था, अगर ये जनता ना आती तो ये फेल होता कि नहीं होता? तो आप लोग ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि डीएम साहब ने किया? आप लोगों को ये झूठ बोलने का अधिकार किसने दिया? डीएम साहब ने नहीं किया, बल आप सभी लोगों ने किया। मैं तो केवल एक कठपुतली था, क्या ऐसे ऐसे नाच रहा था। किया आप लोगों ने, जिस तरह से कठपुतली को पीछे से कोई हिलाता है ना, ऐसे करता है, तो हिलाने वाले कौन लोग थे? आप लोग थे। मैं तो केवल अपना वो चेहरा था, तो मैंने ये नहीं किया, आप सभी लोगों ने किया। ये मेरे पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, बहुत लोग हैं। मैं आप सभी लोगों से ये वादा करता हूं कि इसमें जिसने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसने भी इन्वॉल्व होकर काम किया है, मैं उसका तहे दिल से तारीफ करता हूं, और मैं उसको किसी ना किसी रूप से प्रोत्साहित करूंगा, तैयार करूं, बेहतर करूं, चाहे कब से करूं। अभी इसका ये चैप्टर बंद नहीं हुआ है, इसके आगे भी चैप्टर है, इसकी कार्य योजना है, मैं देखता हूं कितना सफल हो पाता है। ये आपके जनपद के बीएसए हैं, इनको कितने लोग जानते हैं? अरे इनको तो हमसे ज्यादा जानते हैं। क्या बात है, ये बीएसए हैं। इस जनपद बांदा, ये केवल बांदा में काम नहीं कर रहा है, ये प्रदेश को भी लाइट दिखा रहा है। प्रदेश कल हम लोग बहुत प्रयोग किए, एक प्रयोग हम लोगों ने यह किया कि बच्चों में हुनर सिखाने के लिए और इंटेलिजेंट बनाने के लिए हस्ताक्षर करने का, हाजिरी रजिस्टर में पी नहीं लगेगा, रजिस्टर लिखवाएंगे क्या, हाजिरी कराएंगे, जिससे उसका अकल बढ़े और उसका हुनर बढ़े। वो कल उसका साधना देश जारी हो गया। ये है माना, ये है इनके परिवर्तन, ये है प्रयोग, ये है इनोवेशन। ऐसा नहीं, उसको लिखा है जिला बांदा के तर्ज पे प्रयोग के सफल होने पर पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। और आज मैं उजाला के लखनऊ एडिशन में बड़ी लंबी न्यूज लगी है, मुझे लखनऊ से किसी ने भेजा है, अमर उजाला छपा है, किसी ने भेजा लखनऊ। तो ये इनोवेशन मैंने किया या बीएसए ने किया? आप लोग मुझे क्यों जो है बिना वजह बदनाम करते हो कि डीएम ने किया, डीएम ने किया, डीएम ने किया? मैं कुछ नहीं करता, मैं तो पीछे से इनको धक्का देता हूँ। जब गाड़ी रुक जाती है तो धक्का दे देता हूँ, फिर कुछ देर रुक, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, मेरा इतना काम है धक्का देना, गाड़ी रुकने ना पाए। बाधा की अच्छी शोहरत बाहर नहीं है, मुझे कहने में आप लोग जानते भी हैं, लोग इसको कई तरीके से अच्छी अच्छे में नाम नहीं लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी यहां आपका आया है, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आप आईएफएस अफसर हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो सब जाकर के अब बांदा के लाउड स्पीकर बन गए हैं। क्या बन गए? बांदा के लाउड स्पीकर, और बांदा के नाम को रोशन करेंगे कि हम बांदा गए थे, वहां तो इनोवेशन हुआ, स्टार्टअप हुआ, हमारी जो पुरानी बातें थी वो खत्म होंगी, जो नकारात्मकता थी वो खत्म होगी, और पॉजिटिविटी से वो फील होगा, जाकर के चाट पकौड़ा खा लिए। तो ये सब ऊर्जावान है, और मैं आप सभी से मेरी शुभकामनाएं हैं कि देखो अच्छा काम आप करोगे, मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ या कोई नया काम करता हूँ तो लोग 25 तरह कहानियां मुझसे पूछते हैं। हमने परिवार सम्मेलन एक शुरू किया, मैं कोई एक प्रयोग में 20 साल पहले किया था, जब यहाँ शुरू किया तो लोग कहें ये डीएम कैसे आया है, ये क्या क्या करता रहता है। और जब उस परिवार सम्मेलन में सब परिवार सहित इकट्ठा हुए और छुट्टी के और शाम के शुरू हुआ 6 बजे, रात के 1 बजे तक नाचे गाए, तब समझ में आता है। यहाँ भी वही बात हुई, जब पहले दिन भीड़ आई और लोगों को अच्छा लगा, अरे तो लगा कि ये तो कुछ अजीबो गरीब हो गया, तब लोगों के समझ में आया कि ये था क्या और डीएम साहब सोच क्या रहे थे। तो अगर आप लोग साथ देंगे और आप लोगों का एक्टिव सहभागिता रहेगी, तो हम आपसे वादा करते हैं कि मैं किसी के चेहरे पे मायूसी आने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वह हर कदम उठाऊंगा अपने उस
हर चीज को त्याग करने की कोशिश करूंगा कि बाधा की समस्याएं कम हो और लोगों के चेहरे पे खुशहाली बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द प्रोग्राम। फुल फेल है, क्या है? आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे बातें करते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। राम शरण वर्मा जी हाई स्कूल फेल है और IIM में पढ़ाने जाते हैं, ये इनकी काबिलियत है, समझने की कोशिश करिएगा। मंच पर बैठे कृष्ण कर्णाकर पांडे जी, मुनीश जी CGM नाबार्ड, मेयर सिंह फूड जनरल मैनेजर, श्री पीयूष वर्मा जी जो अपने फार्म पर जा चुके हैं, लखनऊ में ही पासपोर्ट अधिकारी हैं जी, श्री संतोष बहादुर जी जो इस जिले के अपर जिला अधिकारी हैं, एवं और हमारे बहुत ही पुराने हमारे DM साहब, और हमारे एक प्रकार से हम इनको अपने मित्र भी कहेंगे, माने हीरालाल जी, और इस बांदा के आए हुए हमारे समस्त विभिन्न क्षेत्रों के भाइयों एवं बहनों एवं हमारे किसान साथियों व पत्रकार मित्रों, मैं थोड़ा माने जिलाधिकारी जी के बारे में बताना चाहूँगा। जब इस इन्वेस्टर समिट की हमारे पास निमंत्रण गया तो हमने एक दिन जिलाधिकारी जी से बात की कि सर ये बताइए कि ये समिट कैसी है, क्योंकि हम पूरे भारत में सरकारी प्रोग्रामों में जाया करता हूँ और पूरे भारत में आप समझिए कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात में 2013 में, हमने वो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेमिनार का संबोधन किया था और दिल्ली में भी जाया करता हूँ और समझे कि भारत में हम पूरे घुमा करते हूँ। तो हम माने हीरालाल जी से हमने फ़ोन किया कि जिले स्तर में कैसा प्रोग्राम होगा, हम वहाँ जाएँ कि ना जाएँ। तो कि हमने कहा कि पहली बार उन्होंने किसी जनपद में हमको बुलाया है, यदि हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ आकर के सुबह हमने देखा तो ग्राउंड बहुत बड़ा, हमका बांदा जैसी ये छोटे से जिले में ऐसा बढ़िया, तो मालूम चला है मेडिकल कॉलेज है। तो हमने देखना शुरू किया, बहुत सारे स्टॉल लगे थे, तो हम कहा DM साहब ने कहा सरकारी स्टॉल लगवा दिया। फिर हमारा एक कमरे में लेक्चर था, तो इस कमरे से उस कमरे में गए और तीसरे कमरे में गए, तो हमने मीडिया लोगों का फोटो तो खींच लीजिए, सुनने वाला कोई नहीं था। फिर जब 11 बजे तो यहाँ मेला के साथ रैला शुरू हुआ, पूरा रैला शुरू हुआ। पहली बार जिले में हम कोई तारीफ करने नहीं आए हैं, और ज़्यादातर किसान साथी हमको जानते होंगे कि हम किसी की जनून ही तारीफ करते हैं। तो हमने देखा कि मेला के साथ यहाँ रैला शुरू हुआ, तो हम खाना खाने में जिलाधिकारी जी से कहा कहीं हम नहीं आते तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल करते। तो हम यहाँ आए, और ये बात आज बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने भारतीय ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश ने सबमिट की है, इसके हम नव अन्वेषक रह चुके हैं और हमको 2009 में इन्होंने हमको अपने नव अन्वेषक किसान के रूप में सम्मानित किया है। ये जो आपका नव अन्वेषक यहाँ पर सबमिट हो रही है, एक मान्य जिला अधिकारी महोदय भाइयों को सुन करके ताजुब होगा कि हम 15,000 से 20,000 से ज़्यादा एक एकड़ में नहीं कमा पाते हैं, सही है कि नहीं जी, बताइए ऐसा है? तो हम बहुत
बड़े आभारी हैं आपके जिला अधिकारी महोदय का कि जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया, शायद का पहली बार। हम वैसे हमें चाहते हैं कि हम पूरे भारत में जाकर के किसानों को ज्ञान दें, अपनी नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दें, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आप इस बात से कल्पना लगा सकते हैं, रात में